नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बिलासपुर में गोवंश को कार से कुचलने वाला आरोपी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी कार चालक शेख शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। एडिशनल एसपी उमेश कश्यप ने पुष्टि की है इसकी। मामले में हिंदू संगठन और गो सेवक संगठनों ने एसपी कलेक्टर कार्यालय का घेराव किया था। उमेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट इस मामले में? देखिए, शेख शाहिद जो है वो बीते दिनों दो दिन पहले कार से एक बछड़े को कुचलते हुए उसका सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुआ था। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन और गौ सेवक जो है वो आंदोलन पर उतर आए थे और इसके आरोपी की जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। कल भी देखा कि किस तरीके से एसपी और कलेक्टर कार्यालय का हिंदू संगठन और गौ सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया, घेराव किया और उक्त आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की। इसके साथ ही उसके यहाँ बुलडोजर की कार्यवाही की मांग की। देर रात पुलिस ने एक टीम बनाई, टीम ने छापेमार कार्यवाही की जहाँ से शेख शाहिद को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ की जा रही है कि आखिर इस तरीके की घटना को अंजाम देने की क्या वजह थी, क्यों इस तरह का घटना का अंजाम दिया गया है। फिलहाल पुलिस जाँच कर रही, देखना होगा कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ सच सामने निकल कर आता है। फिलहाल हिरासत में लेकर आरोपी को पूछताछ किया जा रहा है और पशु क्रूरता का ये जो तस्वीर है वो हर कोई निंदा कर रहा है, क्योंकि जिस तरीके से उसने एक बछड़े को कुचलते हुए वीडियो जो वायरल हुआ है वाकई में ये पशु क्रूरता की वो तस्वीर थी जिसकी वो सबको झकझोर कर रख दिया है। फिलहाल जांच जारी है, देखना होगा कि किस तरह की आगे कार्रवाई होगी इससे। बहुत शुक्रिया उमेश जानकारी साझा करने के लिए। दुर्ग में न्यूज 18 की खबर का बहुत बड़ा असर हुआ है। बेजुबान के साथ बेरहमी करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। आरोपी पिता पुत्र के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। नेवई थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। डॉगी के बच्चे के साथ बेरहमी की गई थी, उसको बेरहमी से पीटा गया था। पीटने का वीडियो भी वायरल हुआ था। ये वीडियो देखिए आप, कैसे बेरहमी से एक छोटे से पपी को एक युवक, एक शख्स जो है वो पीटता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 ने प्रमुखता से यह खबर दिखाई थी। मिथिलेश संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस पूरे मामले में अब कार्रवाई की बात सामने आ रही है, न्यूज 18 ने सबसे पहले यह खबर दिखाई थी। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले को पुलिस ने संज्ञान लिया है और अब अपराध दर्ज कर लिया गया है। इसमें दो आरोपी बनाए गए हैं जिसमें पिता और पुत्र हैं। ये दोनों ही अक्सर पपी के साथ में जो है मारपीट किया करते थे। इसकी शिकायत पुलिस जो क्षेत्रवासी है उन लोगों ने भी की थी, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई थी। ये पूरा मामला दो दिन पहले प्रकाश में आया था कि जब एक युवक जो है डंडे से पीट पीट कर पपी को मार रहा है, बेरहमी कर रहा है उसके साथ में। ये पूरा मामला जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। इस वीडियो के सामने आने के बाद में न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और ये मांग करी थी कि जिस तरह से ये ज्यादती बेजुबान के साथ में की जा रही है, इसके आरोपियों पर कार्रवाई होना चाहिए। इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ में अपराध दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई आरंभ कर दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस तरह से जो बेजुबानों के साथ में जो ज्यादती की जाती है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और ऐसे यदि जो ज्यादती करता है, जो बेजुबान बोल नहीं सकता, अपना दर्द नहीं बता सकता, उनके खिलाफ में कड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो पशु प्रेमी भी करते हैं और इस वजह से उन लोगों ने भी शिकायत की थी। हालांकि अब जो है पुलिस ने अपराध दर्ज कर लिया है और मामले की और जांच की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए मिथिलेश। तो वहीं भिलाई में गोली कांड के आरोपी के घर पर हथौड़ा चढ़ा है। अवैध अतिक्रमण को तोड़ने बीएसपी के अधिकारी पहुंचे हैं। गोली कांड के मुख्य आरोपी का मकान तोड़ दिया गया है। दो दिन पहले ही आरोपी ने दो लोगों को गोली मारी थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है और ये तस्वीर आपको दिखा रही है जहां आरोपी के अवैध अतिक्रमण पर जो है हथौड़ा चला है और एक्शन लिया जा रहा है। दो दिन पहले ही दो लोगों को गोली मारी थी आरोपी ने, जिसके बाद अब अवैध अतिक्रमण पर एक्शन लिया गया। अंबिकापुर में खेत में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। रेप के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। घर से 50 मीटर की दूरी पर ही महिला की जो लाश है वो मिली है। महिला के सिर और चेहरे पर चोट के निशान बताए जा रहे हैं। श्रवण महान संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। श्रवण, क्या जानकारी आपके पास?
मामला है सीतापुर थाना के कुडुमकेला गांव का है। यहां 25 वर्षीय महिला की खेत पे लाश मिली है और लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है और पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया इसमें हत्या और रेप का मामला प्रतीत हो रहा है। फोरेंसिक की टीम भी पहुंची हुई है और जब ये लाश मिली थी उस समय उसका पति जो है बाहर काम करने गया था और जब सुबह आज लौटा तब ये महिला की लाश को पता चला है और जिसके बाद से ही पुलिस जो है पूछताछ करी है। कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर में इस मामले में हत्यारा कौन है। हालांकि अभी पूछताछ चल रहा है, अब देखना होगा आगे कुछ समय बाद कि कितने लोग इसमें आरोपी बनते हैं और कौन कौन लोग हत्यारे हैं। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए श्रवण। कोरबा में धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया। बदमाशों ने दो लोगों पर हमला किया है। आरोपी मौके से फरार हुए हैं। घायलों का मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज जारी है। राजनांदगांव से खबर आ रही है, कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक सवार युवक को टक्कर मारी है, जोरदार टक्कर। बाल बाल बाइक सवार युवक की जान बची है। डोंगरगढ़ में गैस एजेंसी तिराहा के पास का यह हादसा, मौके पर सीसीटीवी में पूरा हादसा कैद हो गया है। कांकेर से खबर, जहां बाल बाल युवक की जान बची है। ट्रक की चपेट में बाइक सवार आ गया, बाइक सवार से ऊपर से गुजरा पूरा ट्रक, बाल बाल बच गई युवक की जान। हादसे में युवक को मामूली चोट भी आई है। भानु प्रतापपुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बाल बाल युवक की जान बची है। आप देखिए किस तरीके से ये युवक जो है ट्रक की चपेट में आया, लेकिन गनीमत ये रही कि उसे कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि वो आराम से यहां से उठकर जो है खड़े हो जाता है। लोगों को चौंका देने वाली ये तस्वीर है। लोग सोच में पड़ गए कि आखिर इतना बड़ा हादसा होते होते टल गया और यह बहुत बड़ी बात है। युवक को कोई भी चोट नहीं आई, खरोंच तक नहीं आई, लेकिन वो जब गिरा तो वो घायल थोड़ा बहुत हुआ। सारंगढ़ से बड़ी खबर आ रही है, जहां ठगी के मायाजाल का खुलासा हो गया है। ठगी के आरोपी शिवा साहू ने कई राज उगले हैं। करीब 1,52,00,000 कैश समेत जेवरात भी मिले हैं। 19 जून को शिवा साहू और उनके अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। शेयर मार्केट के नाम पर पैसे डबल करने का झांसा दिया था। कई लोगों से करोड़ों रुपए ठगे थे। और अब बात बिलासपुर की करेंगे, जहां हथियारबंद बदमाशों ने डीजल लूट लिया है। हथियार के दम पर डीजल की लूट की गई। 3 गाड़ियों से 500 लीटर डीजल लूटा है। मस्तूरी के पाराघाट टोल प्लाजा के पास ये वारदात हुई है और हथियारबंद बदमाशों ने डीजल लूटा है। तो मस्तूरी के पाराघाट टोल प्लाजा के पास ये वारदात हुई। बिलासपुर में हथियारबंद बदमाशों ने डीजल लूट की वारदात को अंजाम दिया और इस तरह के बदमाश काफी सक्रिय नजर आ रहे हैं। हाईवे पर जो ट्रक खड़े रहते हैं, लॉरी खड़े रहते हैं, उनमें से डीजल की चोरी हो रही है। और ये देखिए तस्वीर, कैसे डीजल का ढक्कन खोलकर डीजल निकालते हुए, चोरी करते हुए ये लोग नजर आए। और अब बात होगी लाल आतंक की। नक्सल ऑपरेशन पर रायपुर में बड़ी बैठक की गई है। यूनिफाइड कमांड की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बैठक चल रही है। नक्सल मोर्चे और विकास को लेकर चर्चा की जा रही है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ के साथ छत्तीसगढ़ पुलिस के अधिकारी भी शामिल हुए हैं। गृह मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में शामिल हैं। 2 सेशन में यूनिफाइड कमांड की बैठक होगी। पहले सेशन में नक्सल ऑपरेशन पर चर्चा होगी, दूसरे सेशन में नक्सल क्षेत्र में विकास पर बातचीत होगी। आकाश शुक्ला संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। आकाश, लाल आतंक का खात्मा ये सबसे बड़ा एजेंडा और मीटिंग को लेकर क्या जानकारी मिल रही है, क्या शुरुआत हो चुकी है बैठक की और कब तक चलेगी?
ले रहे हैं और बैठक का एक ही उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ में किस तरीके से नक्सलवाद का खात्मा किया जाए, इसके लिए लगातार योजनाएं जो चलाई जा रही थी उसको लेकर समीक्षा हो रही है और जो ऑपरेशन चल रहे हैं नक्सलवाद के खिलाफ उस पर लगातार अधिकारियों की बैठक ले रहे हैं, समीक्षा हो रही है। गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद है, BSF CRPF के जवान मौजूद है, तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद है। एक एक करके उनसे पूछा जा रहा है कि किस तरीके से योजनाएं चल रही है, अभी तक के जो मुठभेड़ हुए हैं उसकी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मांगी है। इसके साथ ही नियत नीला नार योजना जो चल रहा है बस्तर में, मूलभूत सुविधाएं जो है आदिवासियों तक पहुँचाना है, बस्तरवासियों तक पहुँचाना है, उसको किस तरीके से विस्तार देना है, इसमें सपोर्ट किस तरीके से लिया जा सकता है जवानों का, इस पर भी चर्चा हो रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार का एक ही उद्देश्य है नक्सलिज्म को जल्द से जल्द ख़त्म करना और बस्तर को, बस्तर में शांति लाना है और इसके लिए लगातार काम कर रही है राज्य सरकार। जी बने रहिए आकाश, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो फिलहाल जो है ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग के बाद ही बड़ी बातें मुलाकात की निकलकर सामने आएंगी। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय दिल्ली जाएंगे, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हो सकती है, CM संभावित नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली जाएंगे जहां नामों पर अंतिम मुहर लग सकती है। वो नाम कौन से होंगे इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि मुलाकात के बाद ही ये पता चल पाएगा कि वो नाम कौन से हैं जो दिल्ली लेकर गए हैं विष्णुदेव साय और वहीं से मुहर लगेगी। आकाश शुक्ला लगातार जुड़े हुए हैं। आकाश, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होगा इस पर तो सस्पेंस है और बीजेपी तो जानी जाती है सरप्राइज देने के मामले में, ऐसे में विष्णुदेव साय को लेकर क्या जानकारी, उनका दौरा कितना अहम होगा? जी बिल्कुल, मंत्रिमंडल को लेकर कयासों का दौर छत्तीसगढ़ में लगातार चल रहा है, सियासत भी गरमाई हुए, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार आखिर कब होगा। ऐसे में चर्चा के बीच जो है मुख्यमंत्री विष्णुदेव शायद दिल्ली जाने वाले हैं, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। संगठन की तरफ से जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इसमें जो दो पद खाली हैं मंत्रियों के उसके नामों की चर्चा हो सकती है। अब नामों की बात करें तो नए पुराने दोनों चेहरों का नाम सामने आ रहा है, जिस तरीके से मंत्रिमंडल में जो जगह मिली थी नए चेहरों को कहा जा रहा है कि नए चेहरे इसमें शामिल हो सकते हैं, वहीं पुराने जो वरिष्ठ विधायक हैं वो भी शामिल होने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं, लगातार केंद्रीय नेताओं से मिल रहे हैं, उनको साधने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हाईकमान इसका फैसला करेगा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसका फैसला करेंगे कि मंत्रिमंडल में जो दो पद खाली है उसे किसको मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से जानकारी आ रही है रायपुर और दुर्ग संभाग से एक एक विधायक इसमें शामिल हो सकते हैं, सभी का बारी बारी से चर्चा किया गया। इससे पहले भी जो बैठक हुई थी नाम को लेकर काफ़ी चर्चा हुई है, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जो भी नाम अपने साथ रखेंगे, जो भी मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे, केंद्रीय नेतृत्व को भरोसे में लेके करेंगे। कारण यही है कि वो दिल्ली जा रहे हैं और इस बात पे चर्चा होगी। इसके बाद जल्द ही कभी भी शाय सरकार दो मंत्रियों की नाम की घोषणा कर सकती है। जी बहुत शुक्रिया आकाश जानकारी साझा करने के लिए। तो अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब वो घड़ी भी बहुत जल्द आप देखेंगे जब जो नामों का ऐलान है वो कर दिया जाएगा। सीएम साय की दिल्ली की जो फ्लाइट है वो रद्द हो गई है, विशेष विमान से वो दिल्ली जाएंगे। दोपहर 2:55 की जो दिल्ली की फ्लाइट है उससे जाएंगे, दोपहर में विशेष विमान से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। फ्लाइट कैंसिल होने के बाद पूरा शेड्यूल बदल चुका है, तो सीएम साय की दिल्ली की फ्लाइट रद्द हो गई और एक विशेष विमान से वो अब राजधानी जाएंगे जहां पर चर्चा करेंगे मंत्रिमंडल को लेकर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम चर्चा की जाएगी कि आखिर कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में जगह दी जानी है। आलाकमान की तरफ से जो है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से जब मुहर लगाई जाएगी तब जाकर नामों का ऐलान कर दिया जाएगा। बड़ी खबर रायपुर से आ रही है, महिला ने 8वीं मंजिल से छलांग लगा दी, महिला की मौके पर ही मौत हो गई है और महिला की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होने की बात सामने आ रही है। RDA कॉलोनी की यह घटना है और 8वीं मंजिल से महिला ने छलांग लगाई है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं, आखिर महिला ने छलांग क्यों लगाई, किस बात से वो परेशान थी, कहा यह भी जा रहा है कि मानसिक रूप से वो ठीक नहीं थी और ये भी एक वजह हो सकती है उसके छलांग लगाने के पीछे की।
मौके पर ही महिला की मौत हो गई है। रायपुर की एक खबर, युगल तिवारी संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। युगल, पता चल सका क्या कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, महिला ने छलांग क्यों लगाई? जी देखिए, अभी पुलिस की टीम मौके पर है और परिजनों से आसपास से पूछताछ की जा रही है और अभी जो प्राथमिक की जानकारी आई है उसमें यही है कि महिला की मानसिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है और ये पूरी जो घटना है टिकरा पारा थाना क्षेत्र के आरडीए कॉलोनी की है। अचानक से महिला धड़धड़ाते हुए ऊपर चढ़ी और आठवीं मंजिल से उसने छलांग लगा दी है, सिर में गंभीर चोट आई थी, इसकी वजह से मौके पर ही उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस है वहां पर मौजूद है, आसपास के लोगों से पड़ताल की जा रही है कहीं और कोई दूसरा वजह तो नहीं है। मौके पर पुलिस के अधिकारी भी मौजूद हैं और पूरे मामले की तहकीकात है वो की जा रही है। जी अंशिका, बहुत शुक्रिया युगल जानकारी साझा करने के लिए। रायपुर से एक और खबर, जहां कांग्रेस अब हार की समीक्षा करेगी। वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सदस्य हैं दोनों। दोनों नेता हार की समीक्षा करेंगे। चार दिन तक बैठकों का जो दौर है वो चलेगा। 2019 में कांग्रेस को 2 सीटें हासिल हुई थी लोकसभा चुनाव में, लेकिन 2024 में कांग्रेस एक ही सीट पर सिमट कर रह गई। ऐसा ही मध्य प्रदेश में, जहां अच्छी खासी सीटें, एक सीट कांग्रेस ने जीती थी 2019 के लोकसभा चुनाव में, इस बार 2024 में मध्य प्रदेश की भी अगर बात करें तो एक भी सीट नहीं ला सकी कांग्रेस। ऐसे में छत्तीसगढ़ में क्या है हार की वजह, इस पर समीक्षा की जाएगी। तो वही फिट कांग्रेस बैठक के नाम से ओबीसी गई हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री तमाम जो लोग हैं वो भी शामिल होंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस पार्टी की समीक्षा बैठक को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि उनका आंतरिक मामला है, कांग्रेस हार पर समीक्षा तो करेगी लेकिन हार का ठीकरा किस पर फूटेगा ये देखने वाली बात होगी। मानसून सत्र की अधिसूचना जारी हो गई है और मानसून सत्र में जो समय निर्धारित किया गया है वो छत्तीसगढ़ विधानसभा की जो परंपरा रही है उसके अनुरूप है। पर्याप्त समय विधानसभा सत्र के लिए निर्धारित किया गया है। देखिए, सभी राजनीतिक दल को अपनी आंतरिक बैठकें और ये सब करने का अधिकार है। हार पर मंथन होने वाला है जैसा बताया जा रहा है, पर हार का ठिकरा किस पर फूटेगा ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के पास साथ जुड़ गई हैं ममता। अब हार पर क्योंकि मंथन हो रहा है, अब हार पर ये समीक्षा की जाएगी कि हार के लगातार वजह क्या है। ममता, सियासत का एक मुद्दा बन गया है। बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं लाइव, राजीव भवन पहुंच चुके हैं, सचिन पायलट यहां पर मौजूद हैं और जो लोकसभा चुनाव में जो नतीजे निकले उसको लेकर अगर हम बात करें तो समीक्षा होगी और इस बात पर चर्चा होगी कि किन कारणों से जो है वो कांग्रेस इतनी बुरी तरीके से हारी है। पिछली बार अगर हम बात करें तो कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी लोकसभा में, लेकिन इस बार एक ही सीट में कांग्रेस को सिमटना पड़ा। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे थे वो भी कांग्रेस के लिए बेहद शॉकिंग थे। तो वीरप्पा मोइली यहाँ पर पहुँचे हैं और एयरपोर्ट में उन्होंने बातचीत में ये कहा कि हम जो है इस बात को लेकर समीक्षा करेंगे कि यहाँ पर बेहतरीन लीडरशिप थी लेकिन उसके बाद भी इस तरह के नतीजे क्यों आए। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सभी से वो बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा, हमने उनसे ये भी पूछा कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं वो गुबार लेकर बैठे हुए हैं और ऐसे में क्या सबसे 1-to-1 चर्चा करेंगे, तो उन्होंने कहा कि हम सारे लोगों से बात करेंगे, एक रिपोर्ट तैयार होगी जो AICC को सौंपी जाएगी। दरअसल इस बैठक के पहले लगातार इस बात को लेकर चर्चा है कि दीपक बैज जो हैं वो रहेंगे या हटाए जाएंगे, सचिन पायलट जो हैं वो रहेंगे या फिर वो हटेंगे, क्या आमूलचूल परिवर्तन जो है यानी कि कुछ बड़े बदलाव भी आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ कांग्रेस में दिखाई दे सकते हैं इस चर्चा के बाद। बहुत शुक्रिया ममता।